बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने, प्रभु के साथ हमारा रिलेशन कैसा। संसार में जितने भी लोग हैं सभी के साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ जुड़ाव है, कुछ ना कुछ बंधन है, कुछ ना कुछ संबंध बंधा हुआ है। लेकिन हमारे सामने सवाल यह खड़ा होता है कि परमात्मा के साथ में हमारा रिलेशन कैसा। कहा कि रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं, संबंध दो तरह के हो सकते हैं, एक मन के होते हैं और एक मजबूरी के होते हैं। संसार में कई लोगों से आपने ऐसे संबंध जोड़े हैं जो मजबूरी के संबंध हैं, जहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहां आपके पास कोई उपाय नहीं है, सामने वाले की आपको जरूरत है, सामने वाले से आपको कुछ पाना है, सामने वाले से आपको कुछ लेना है, सामने वाले से आपको कुछ प्राप्त करना है, इसीलिए उनके साथ में आपने रिश्ता जोड़ा है, उनके साथ में आपने संबंध जोड़े हैं। ये मजबूरी का संबंध है। और एक होता है मन का संबंध, जहां कुछ लेने देने की बात नहीं है लेकिन दिल जुड़ जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। ऐसे भी संबंध संसार में हमारे पास होते हैं। लेकिन आज के जीवों को जब देखा जाए, आज के लोगों को जब देखा जाए तो प्रतीत होता है, तो पता चलता है आज के समय में मजबूरी के संबंध ज्यादा है, मन के संबंध बहुत कम है। जहां मन से जुड़ा हो, जहां दिल मिल गया हो, जहां हृदय से एकाकारता आ गई हो, जहां कहीं ना कहीं अपनापन महसूस होता हो, वो संबंध जो होता है वो मन का संबंध होता है। और जहां कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है और इसी के लिए संबंध जोड़ना है, वो मजबूरी का संबंध हो सकता है। और इसीलिए कहा कि समझिएगा, जब आपके जीवन में भरपूर सुख हो, जब आपके जीवन में सुख की पराकाष्ठा हो, जीवन बड़ा ही सुखमय हो, जीवन बड़ा ही अद्भुत हो और जीवन बड़ा ही सुंदर चल रहा हो, उस समय भी आपको परमात्मा का स्मरण होता रहे, उस समय भी आपको परमात्मा याद आते रहे, उस समय भी आपके हृदय के अंदर परमात्मा का नाम स्मरण चलता रहे, तो समझना संबंध मन के है। और जब आपके जीवन में दुख आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, आप कहीं फंस जाओ, आपको लगे अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, और उस समय परमात्मा का स्मरण हृदय में आए, तो समझना ये मजबूरी का संबंध है। परमात्मा आपको बचाएंगे, निश्चित बचाएंगे, लेकिन आपने संबंध परमात्मा के साथ कैसा रखा, यह बड़ी सोचने वाली। और ज्यादातर लोगों के जीवन में देखा जाए तो प्रतीत यह होता है कि ज्यादातर लोगों को परमात्मा तभी याद आते हैं जब मुश्किल हो, जब पीड़ा हो, जब परेशानी हो, जब प्रॉब्लम्स हो, जीवन कहीं फंसा हुआ हो, कोई मार्ग दिख न रहा हो, कोई बचाने वाला मिल न रहा हो, उस समय परमात्मा याद आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अभी तक, आज तक हम परमात्मा से मन के संबंध नहीं बना पाए। प्रभु भक्ति सही मार्ग पर जाना हो, प्रभु भक्ति सही मायने में करनी हो और हकीकत में प्रभु भक्त बनना हो, सही मायने में प्रभु भक्त बनना हो, तो रास्ता एक ही है, संबंध मन का होना चाहिए, संबंध दिल का होना चाहिए, मजबूरी का नहीं। एक बार बैठ करके आंखें बंद करके देखना कि जब मेरे जीवन में सुख है या जब मेरे जीवन में सुख था, तब मैंने प्रभु को कितना याद किया, तब मैं प्रभु के पास कितना गया, तब मैंने प्रभु का स्मरण कितना किया, तब मैं प्रभु के समीप कितना गया, तब मैंने प्रभु के लिए समय कितना निकाला, और जब जीवन में दुख था तब प्रभु के पास कितना गया। बड़ा सोचने वाला बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। जीवन में समझिएगा कि हम परमात्मा से कौन सा संबंध लेकर बैठे हुए हैं, मन का संबंध या मजबूरी का संबंध। कैसे मालूम हो कि हम किसी के साथ जुड़े हैं, वो मन से जुड़े हैं या मजबूरी से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं या ऐसे ही जुड़े हैं, कैसे पता चल सकता है। कहा के समझिएगा, जहां से आपको लेने का मन हो तो समझना मजबूरी का संबंध है, और जहां आपको देने का मन हो तो समझना मन का संबंध है। बराबर चेक करना, ऑब्जर्व करना अपने आप को,
जहां जहां से आपको लेने का मन होता हो तो समझना ये संबंध मजबूरी का संबंध है, और जहां जहां आपको देने का मन होता हो तो समझना ये संबंध मन का संबंध है। चाहे सांसारिक रिश्तों की बात हो, चाहे गुरु के साथ के संबंध की बात हो, चाहे प्रभु के साथ के संबंध की बात हो, चाहे धर्म के साथ के संबंध की बात हो, चाहे परिवार के साथ के संबंध की बात हो, लेकिन ये नियम बराबर समझ लेना, जहां देने का मन होता है वहां मन का संबंध है, और जहां से लेने का मन होता है वहां मजबूरी का संबंध है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।